गोरखपुर जिले में गुरुवार को 927 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 517 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 130, गोरखनाथ में 58, कोतवाली में 75, तिवारीपुर में 35, रामगढ़ताल में 29, राजघाट में 13 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 137, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 345 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगांव में 126, खोराबार में 90, उरवा में 9, भटहट में 6, पाली में 2, कोड़ीराम में 4, बेलघाट में 12, खजनी में 6, गोला में 8, पिपराइच में 8, सहजनवा में 11, बढ़लगंज में 3, कैंपियरगंज में 5, पिपरौली में 9, सरदारनगर में 13, बांसगांव में 10, जंगल कौड़िया में 11, गगहा में 9 और ब्रह्मपुर में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 65 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक 57 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 26,614 हो गई है। इनमें से 378 की मौत हो चुकी है। 21,835 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 4,401 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को स्वस्थ बनाए और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।